सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एएमआई ऑर्गेनिक्स एंड विजया डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड के आईपीओस का ग्रे मार्केट में आज यानी कि 6 सितंबर 2021 के दिन क्या प्रीमियम चल रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एएमआई ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के आईपीओ की। देखिए, जो आईपीओ है 1 से 3 सितंबर के बीच ओपन था अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो 603 से 610 रुपए के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया था, यानी 610 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। वहीं लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में करीब 24 शेयर थे। वहीं रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो करीब 35% का रिजर्वेशन आपको यहां पर मिलता हुआ नजर आया था। अब देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन ग्रे मार्केट का प्रीमियम करीब 148 रुपए के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 610 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। 148 रुपए के प्रीमियम के साथ ये आईपीओ करीब 758 रुपए पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन देता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि निचले स्तरों से इसका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में इसका प्रीमियम करीब 25 से 30 रुपए के आसपास चला करता था और वहाँ से ये करीब 6 गुना के आसपास होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले इसका प्रीमियम 150 रुपए के आसपास भी गया था, लेकिन एकदम से फिर से उसमें गिरावट हुई थी और प्रीमियम 95 रुपए पर पहुँच गया था। लेकिन यहाँ पर शानदार रिकवरी प्रीमियम ने की है और यहाँ पर वापस से अपने हाइएस्ट लेवल पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि काफी बढ़िया यहां पर प्रीमियम आपको मिलता हुआ नजर आ सकता है। अब देखिए, इसको मैं बढ़िया इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि जहां आपको दूसरे आईपीओस डिस्काउंट प्राइस पर लिस्ट हो रहे हैं, वहां ये आपको कम से कम 25% के आसपास प्रीमियम दे रहा है। तो इस आईपीओ के प्रीमियम को मैं काफी बढ़िया बोलूंगा। और देखिए, शुरू से ही आपको बोला गया था कि इस आईपीओ में आपको लॉन्ग टर्म के लिए तो अप्लाई करना ही है, साथ ही साथ लास्ट तक मैंने आपको ये भी बोला था कि शॉर्ट टर्म में जो कम लिस्टिंग गेन से खुश हो जाते हैं उनके लिए भी ये आईपीओ काफी बढ़िया साबित हो सकता है। तो देखते हैं इस आईपीओ की लिस्टिंग कैसे होती है। वहीं नेक्स्ट आईपीओ की बात करें तो नेक्स्ट आईपीओ है विजया डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड का आईपीओ, और ये आईपीओ भी 1 से 3 सितंबर के बीच ओपन था अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो 522 से 531 रुपए के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया था, यानी 531 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। वहीं लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में करीब 28 शेयर होंगे। वहीं रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो यहाँ पर भी 35% का रिजर्वेशन मिलता हुआ नजर आया था। अब देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन भी प्रीमियम 4 रुपए के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 531 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। 4 रुपए के प्रीमियम साथ 535 रुपए पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन ये आईपीओ देता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ये पिछले 3-4 दिन से 4 रुपए प्रीमियम ही दिखा रहा है और इसके हाइएस्ट प्रीमियम की बात करें तो करीब करीब 45 रुपए के आसपास ये गया था शुरुआती दिनों में। उसके बाद इसका प्रीमियम लगातार गिरता हुआ नजर आया है और ये अब 4 रुपए पर आकर अटक गया है। अब देखिए, इतना कम प्रीमियम है मार्केट में, उस दिन कुछ इधर उधर हुआ तो आपको इसकी जो लिस्टिंग है वो डिस्काउंट प्राइस पर लिस्टिंग देखने को मिल सकती है, तो आपको इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए। देखिए, कंपनी काफी बेहतरीन है, लेकिन शुरू से ही आपको आगाह किया गया था कि अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए यही इस आईपीओ में अप्लाई किया जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म यानी लिस्टिंग गेन इसमें मिलने की संभावनाएं काफी कम है, शुरू में ही आपको पता चल गया था। और इनफैक्ट मैं तो पहले दिन से ही बोल रहा हूं कि इस आईपीओ में आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही सिर्फ अप्लाई करना है, शॉर्ट टर्म यानी लिस्टिंग गेन पर नहीं जाना है। और बिल्कुल देख सकते हैं वैसा ही होता हुआ नजर आया है और लिस्टिंग के दिन हो सकता है ये डिस्काउंट प्राइस पर भी लिस्ट होता हुआ नजर आ जाए। तो देखते हैं कैसे इसमें लिस्टिंग होती हुई नजर आती है। और देखिए, आपके कोई विचार हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, या फिर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और फिर आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यहाँ पर मैं आईपीओ से रिलेटेड और शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोज आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।